मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड वी विल स्टार्ट विथ लोथल. लास्ट पैराग्राफ हमने क्या देखा था, लास्ट टॉपिक हमारा था ढोलावेरा. तो हमने ढोलावेरा के बारे में पढ़ लिया था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लोथल के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट. लोथल इज सिचुएटेड इन द ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. लोथल कहाँ पर सिचुएटेड है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में. ढोलका एज अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स. ढोलका जो जगह है वो दो रिवर्स के बीच की जगह है, और वो दो रिवर्स कौन से हैं, भोकावो एंड साबरमती. इट इज़ 18 किलोमीटर फार फ्रॉम बे ऑफ खंबत. ये बे ऑफ खंबत से 18 किलोमीटर की दूरी पे, फ्रॉम वेयर द थ्री लेयर्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वेयर फाउंड, जहाँ से तीन इंसानों के रहने की जगह दिखाई देती है. यूज डॉकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप्स इन द टाइम ऑफ हाई टाइड्स. अब एक बड़ा सा डॉकयार्ड बनाया गया है, जिसका निर्माण किस लिए किया गया है, कि बड़ी बड़ी जो नाव आती हैं तो उनको खाली करने के लिए, जिससे नाव का जो सामान होता है उसको निकालकर यहाँ पर रखा जाए और दूसरा डाल के उसे भेजा जाए. एंड दिस इज़ यूनिक फीचर ऑफ लोथल. यही जो चीज़ है लोथल की, ये सबसे अलग मानी जाती है. सच डॉकयार्ड स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा. अब इस डॉकयार्ड में कई सारे स्टोरेज शॉप्स भी देखे जाते हैं. शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, जिसमें क्या एक्सपोर्ट हो रहा है क्या इम्पोर्ट हो रहा है, उन चीज़ों का हिसाब किताब होता है या प्रमाण मिलता है. दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी अ रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया. और ऐसा माना जाता है कि लोथल जो है वो सबसे रिच और प्रॉस्परस पोर्ट है अपने इंडिया का. दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और ये जो चीज़ है, ये जो अपने सिर्फ गुजरात के गर्व की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत के इतिहास के लिए गर्व की बात है ये. नेक्स्ट इज मौर्यन आर्ट. अब मौर्यन आर्ट क्या है वो हम देखते हैं. चलिए, स्टूपा एन ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा बॉडी वेयर कैप्ट. स्टूपा एक ऐसा ओवल शेप कंस्ट्रक्शन है जिसके नीचे माना जाता है कि लॉर्ड बुद्धा की बॉडी को दफनाया हुआ है या उसमें समाया हुआ है. देर आर फाइव फेमस टाइप्स ऑफ स्टूपास ऑफ किंग अशोकास टाइम. किंग अशोका के दौर के पाँच अलग अलग स्टूपास जो कि फेमस हैं, उनके नाम दिए हुए हैं. तो स्टूपा ऑफ सांची, स्टूपा ऑफ सरना, स्टूपा ऑफ बेरट, स्टूपा ऑफ नंदीगढ़, स्टूपा ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात. तो ये पांच अलग अलग स्टूपास के नेम हैं. बिस चैत्यस विहारस एंड मर्ट्स वेयर कंस्ट्रक्टेड. इसके अलावा चैत्यस विहार्स और मर्ट्स भी बनाए गए हैं. द किंग ऑफ द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पर्टी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर. अब किंग अशोका का जो दौर था वो सुनहरा दौर माना जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए, और उसी दौरान में एज ऑफ स्कल्चर एंड आर्किटेक्चर के लिए भी यह दौर बहुत ही सुनहरा था. बुद्धिस्ट रिलीजन हैज़ गिफ्टेड केव्स, विहार, चैत्य एंड स्टूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. बुद्धिस्ट धर्म ने ही बहुत सारी गुफाएँ, विहार, चैत्य, स्टूपास, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर के रूप में गिफ्ट की हैं. अब स्टूपा ऑफ सांची. अब पांच हमने जो स्टूपास जाने थे उन पांचों के बारे में अलग अलग दिया हुआ. देखिए, स्टूपा ऑफ सांची, द सांची स्टूपा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड. ये मौर्यन पीरियड में बना था. इट इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश में स्थापित है ये. द ओरिजिनल स्टूपा ऑफ सांची वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स. अब ये इसकी जो ओरिजिनल स्टूपा है वो किससे बनाई गई हैं, ईंट से बनाई गई हैं. इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्टूपा. सब आजकल के जो स्टूपा होते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग कंपेरिजन में ये बिल्कुल आधा था. दिस बुद्धिस्ट स्टूपा इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर. और ये बुद्धिस्ट स्टूपा जो है वो बहुत ही प्रेशियस स्पेसिमेन माना जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में. देखिए, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि ये